यहोशू का 9th चैप्टर उसका 3 to 6 वर्स पढ़िए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और एक से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी रोटी ले ली। गिबोन के निवासी डर गए थे यहोवा से, इसराइलियों से। ये आज उस समय सोचो सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी ये बात कितनी तेज़ी से फैल गई थी कि इसराइलियों की ओर से यहोवा लड़ता है। वो रहा वेश्या भी कह रही है कि हमको पता है कैसे तुमको मिस्र से तुम्हारा परमेश्वर निकाल लाया, कैसे उसने लाल समुद्र को दो भाग किया। तो ये परमेश्वर के सिवा कौन कर सकता है? बिना सोशल मीडिया के ये चीज़ें फैल गई, बिना मोबाइल के, बिना फ़ोन के, बिना कनेक्टिविटी के ये बातें फैल गई थी। इसराइलियों का यश और कैसे यहोवा उनके साथ रहता है ये बात फैल गई थी और गिबोन के निवासी डर गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? छल किया। ऐसे ही कई बार उद्धार पाने के बाद भी इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हर बार परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है। शैतान भेष बदल कर हमारे पास आता है। झूठ बोल कर आए, बाजू से आए थे और बोले बहुत दूर देश से तुम्हारा यह सुन के आए। जिस दिन चले थे जानबूझ के फफूंदी लगी हुई रोटी ली है और कह रहे जब चले थे तब ये रोटी फ्रेश थी, लेकिन आज इसमें फफूंदी लग गई क्योंकि सफ़र इतने दिनों का था इसलिए। और इन लोगों ने गलती क्या करी? यहोवा से पूछे बिना उनसे वाचा बांध ली। और उन दिनों ऐसा होता था, जबान की बड़ी कीमत होती थी, आज की तरह नहीं। अरे कहा होगा तो कहा होगा, हम नहीं जानते। अब कल की रात गई बात गई, कल की बात, कल की बात खत्म। हमें तो याद ही नहीं हमने ऐसा कहा था। करते हैं ना लोग ऐसा आज, हमें नहीं याद हमने ऐसा कहा था। अब तुम कह रहे हो तो तुमने सुन लिया होगा, हमने तो भाई कहा नहीं था। आज लोग जबान पलट जाते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त अगर वाचा बांध ली तो बांध ली, मुंह से बोल दिया तो बोल दिया, उसको फिर पूरा करना पड़ता था हर हाल में। इसलिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो कह रहा है वो अगर नहीं सुनो तो शैतान के धोखे में फंसोगे। ये हुआ था किसके साथ? ये हुआ था शाऊल के साथ। पहला शमूएल उसका 15 चैप्टर खोलिए, उसका 1 से 3 वचन पढ़िए। इसलिए अब तू जाकर शाऊल ने इस आज्ञा के विपरीत किया, क्योंकि शाऊल एक मैन प्लीजिंग व्यक्ति था, इंसानों को खुश करता था। वो ये देखता था कि भीड़ मेरे पक्ष में रहे, लोग मेरे पक्ष में रहें, भले ही परमेश्वर नाराज हो जाए तो हो जाए, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। और इसलिए उसने जो मोटे मोटे पशु थे, लोगों ने कहा कि ये अच्छे अच्छे पशु हैं, इनको हम यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए रख लेते हैं, उसने रख लिया। कमांड क्या मिला था? समूल नाश करने का। और यही अमालेकी जो उसने छोड़ दिए, उनमें से कुछ अमालेकियों को भी उसने छोड़ा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पशु ही छोड़े थे। वो अमालेकी बढ़ते 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 एस्तेर की पुस्तक तक आते आते उन्हीं के वंश से हमान निकला था, जिसने पूरी यहूदी जाति को नाश करने के लिए आज्ञा निकाल दी थी। यहोवा को तुम्हारा आज भी पता है, तुम्हारे वो बच्चे जो हुए नहीं हैं उसको उनका भी भविष्य पता है, इसलिए वो तुम्हें आज कमांड दे रहा है उस आने वाले कल की तैयारी के लिए। चाहे पास्टर से वचन आ रहा है, चाहे तुम बाइबल पढ़ के वचन से सीख रहे हो, चाहे कैसे भी, पर परमेश्वर आज कमांड दे रहा है तुम्हारे उस आने वाले कल के लिए। यहोवा को पता था। उसी अमालेकी वंश से इतिहास बताता है कि हिटलर निकला, जिसने यहूदियों को फायर चैम्बर में जला दिया। जर्मनी का वो नरसंहार याद होगा, इतिहास उठा के देख लो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों को नाश कर दो, शाऊल से कहा था। आज तुम्हारे जीवन के अमालेकी कौन हैं? तुम्हारा आलस, तुम्हारा लालच, तुम्हारा व्यभिचार, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा जलन, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा घमंड। आज वो फिजिकल फॉर्म के अमालेकी नहीं हैं, आज ये अमालेकी हैं। आज इनको नाश करो ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते सुगम हो जाएं। आज इन अमालेकियों को नाश करने के लिए परमेश्वर का कमांड है।
आज इन अमालेकियों को नाश कर दो। उस वक्त शाऊल ने कहना नहीं माना था, अमालेकियों को नाश नहीं किया था। अगर तब कर दिया होता समूल नाश, तो शायद हिटलर तक आते आते ये ना होता। एस्तेर में तो बचा लिए गए, उपवास आ रहा। आज वो यहूदी देखो थर्ड टेंपल की तैयारी कर रहे हैं, जो झूठा मसाया कुरान में लिखा है उसके आने की तैयारी कर रहे हैं, उस दज्जाल के आने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी वो बहके हुए हैं, आज भी उनको मसीह की पहचान नहीं हो रही, आज भी उनकी समझ की आंखें बंद हैं। उन भाइयों के लिए प्रार्थना किया, उनके लिए प्रार्थना किया करो। अपने जीवन के अमालेकी, आज फिजिकल अमालेकी नहीं है, आज ये अमालेकी है जो मैंने अभी गिना है, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा लालच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा कोई आलस, तुम्हारा पाखंड, कोई भी ऐसी चीज़, तुम्हारी जलन, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तुम्हारा डर, उसको नाश करो। शाऊल की तरह मैन प्लीजिंग मत बनो। शाऊल ने अगर ये काम तभी कर दिया होता तो आगे तक ये ना होता। परमेश्वर को आने वाला हजारों साल का कल पता है तुम्हारा, और वो चाहता है कि तुम्हारा उद्धार बचा रहे, ताकि तुम, वो कहता जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, उसके साथ स्वर्ग में रहो, और परमेश्वर से हर एक चीज़ पूछो ताकि फंसो नहीं। उत्पत्ति में जो सांप था, अगर वहीं उसके सिर को नहीं कुचला तो प्रकाशित वाक्य तक आते आते वो अजगर बन जाएगा। आज अगर सांप को नहीं कुचला, प्रकाशित वाक्य तक आते आते वो अजगर बन जाएगा। बहुत ज़रूरी है अपने उद्धार को बचाना, बहुत ज़रूरी है। हम और आप समझ नहीं रहे इस चीज़ को, इस वैल्यू को। मेरा दिल बहुत दुखता है ऐसे क्रिश्चियंस को जो मिलावटी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन मिलावटी शिक्षा भी मत दो। अगर तुम अपनी भेड़ों को भटकाओगे तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा। भेड़ों को सच बता दो, मानती या नहीं मानती है फिर परमेश्वर उनसे पूछेगा, लेकिन तुमसे कहेगा ठीक है बेटी तूने सच बताया, ठीक है बेटे तूने सच बताया, तूने अपना काम ईमानदारी से किया। उन्होंने नहीं माना फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 पढ़ो जरा। पहले प्रकाशित वाक्य 3 खोलिए, 3 का 15 और 16 पढ़िए। कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। गुनगुना है, गुनगुने क्रिश्चियनिटी परमेश्वर को पसंद नहीं है, लूक वार्म क्रिश्चियनिटी। पास्टर ने पिछले मैसेज में बोला था ना कि कंप्रोमाइजिंग क्रिश्चियनिटी नाम की कोई चिड़िया नहीं। जब यहाँ वचन सुन के जाते हो, जब उसका लिंक आपको भेजते, तो एक बार फिर से सुना करो ताकि रिवीजन हो जाए आपका, मसीह जीवन को कैसे जीना। एग्ज़ाम के टाइम में 10 बार रिवीजन करते हो ना, एक बार हम लोग पहले बचपन में याद कर लेते थे, फिर बार बार एग्ज़ाम आने के टाइम पे उसका रिवीजन करते थे ना, कि हिस्ट्री का 2 बार रिवीजन कर लिया, ज्योग्राफी का 3 बार कर लिया, इंग्लिश का 4 बार रिवीजन कर लिया करते थे ना। दोबारा से फिर सुन लिया करो। ये मैं सोचो कि अरे हमने चर्च में सुना था ये मैसेज, नहीं फिर सुनो। कंप्रोमाइजिंग क्रिश्चियनिटी नाम की कोई चिड़िया नहीं। गुनगुना परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 पढ़िए। बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये होना बाकी है, एक बार हो चुका है, वो शैतान गिराया जा चुका है पृथ्वी पे, और पृथ्वी के लोगों को भरमा लिया है। ये अजगर प्रकाशित वाक्य तक आते आते वही ईडन गार्डन का जो शैतान था वो आज अजगर बन गया। आज उसके दूत कैसे काम करते हैं। एक सैटनिज्म में डूबा हुआ व्यक्ति था, सैटनिक था वो, जब उसका उद्धार हुआ है तब उसने बताया था, अपनी कहीं टेस्टिमनी दी थी, और उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इविल स्पिरिट होती हैं वो बहुत मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं, कहना मानती हैं। उसने कहा तुम क्रिश्चियंस तो कहना ही नहीं मानते हो, आपस ही में लड़ते भिड़ते रहते हो। तो कितने शर्म की बात है, एक शैतनिज्म से आज़ाद हुआ व्यक्ति ये बता रहा है कि उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, अथॉरिटी को मानते हैं, सम्मान देते हैं, और जो उनसे ऊपर जो ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते। तुम क्रिश्चियन लोग तो मानते ही नहीं हो, फॉलो ही नहीं करते, आपस ही में भिड़ते रहते हो। तो ये कितने शर्म की बात है। हम प्रकाश के लोग हैं, वो अंधकार के लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। ये कितने शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम देने के बाद भी उस गिफ्ट पे अपना कब्जा, मेरी मम्मी काम वाली को जब साड़ी देती है उसके बाद उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ती। ये तुमने पहन के नहीं दिखाई, ये तुम पहन के नहीं आई, ये तुमने पहन के नहीं दिखा। मैं उनको इतना समझाती हूँ, मम्मी वो उस साड़ी को आग लगा दे
कैंची से फाड़ दे, मायके में किसी को दान कर दे या ससुराल में दान कर दे, तुमने गिफ्ट दे दिया, अब खत्म। उस पर अपना मालिकाना हक जताना बंद करो। इसका मतलब तुमने अभी भी उसको दिल से लगा के रखा है। तुम कह तो रही मैंने गिफ्ट दे दिया है, उसको दे दिया है, लेकिन तुम जो कह रही हो ना, दिखाई नहीं पहन के किसी को दे दी क्या? किसी को दे दी तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है, उसको वो अलमारी में कोने में डाल के आ गई तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ा है। एक बहुत फ्लोरिश चर्च थी, उसमें गिटार, कीबोर्ड, ड्रम सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया था। वहाँ पर एक भाई ने एक खंजरी दी थी, और उसके बाद अब वो खंजरी बजाने वाला कोई नहीं था वर्शिप टीम में, सब कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ बजा। उसके बाद वो क्या करते थे, उन्होंने सीधे पास्टर से बोलो तो ज़्यादा अच्छा, कुछ भी देखो प्रॉब्लम है आप पास्टर से बोलो ज़्यादा अच्छा। वो एक दो लोगों से उन्होंने बोला तो वो बात बेचारे पास्टर तक पहुँची कि ये मेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं खंजरी, मेरी खंजरी यूज़ नहीं कर रहे। अब पास्टर ने सोचा, बहुत दिमाग लगाया क्या करें कि ये भाई नाराज़ ना हो, क्या करें। फिर उन्होंने एक भाई को पकड़ा, बोले तुम ना वर्शिप में खड़े हो गए खंजरी हिला रहे। वो बोला मुझे नहीं आता। बोले नहीं नहीं खड़े हो जाना, थोड़ा हिलाना। आपने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। यीशु ने जो सालवेशन फ्री गिफ्ट दिया है उसको कैसे चाहते हो जैसे मर्जी आप यूज़ करोगे, वो भी अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। वो भी चाहेगा मेरा सालवेशन गिफ्ट मैंने लहू की आखिरी बूंद भाई मेरे तरीके से यूज़ करो। उसको क्यों खराब करते हो, उसको क्यों खराब करते हो? एक साड़ी जो आपने पहन ली है उसके बाद भी आप कब्जा नहीं छोड़ रही हो, तो परमेश्वर क्यों अपना इतना कीमती सालवेशन का गिफ्ट फ्री है? लेकिन सोच के देखो, वो भी तो चाहेगा मेरे सालवेशन को मेरे तरीके से इस्तेमाल करो, मेरे वचनों पे चल के चलो, खराब मत करो। आमीन। और जब ऐसा करोगे तो उसमें फायदा आपका ही, आप जीत के चक्कर लगाओगे, है ना। स्वर्गदूतों की सेना उतर के आपके जीवन की हर यरियो की शहरपनाह को गिरा देगी, ढा देगी, हर उन गणों को जो आपकी तरक्की के रास्ते में आते हैं। स्वर्गदूतों की फौज भेजेगा यहोवा आपके लिए, यीशु आपके लिए। उसके तरीके से करो ना उसका गिफ्ट इस्तेमाल। सालवेशन फ्री गिफ्ट है, पर उसको संभाल के रखने के लिए मेहनत लगती है। आमीन। आइए दुआ करें।